हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला राज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइस, ठीक है। और आज हमारा जो वीडियो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट टू है। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है, ठीक है, तो आप लोग पार्ट वन देख लें, उसके बाद फिर पार्ट टू भी देखें, ठीक। बहुत ही अच्छा और रिलेवेंट कंटेंट मैं इसमें तैयार करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लगती है गाइस पीपीटी बनाने में और उसे अरेंज करने में, कंटेंट तैयार करने में गाइस। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट टू। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग से फाउंडेशन बैच बोला था, तो पहले टेंस पढ़ाया, पार्ट वन पार्ट टू, उसके बाद फिर लास्ट क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया, इसमें पार्ट वन स्टार्ट किया, और आज मैं जो करने वाला हूँ वो पार्ट टू होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसी के पास हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। फिर आप लोगों को जितना भी मैं रूल्स लिखवाने वाला हूँ, जितना भी रूल्स करवाने वाला हूँ, वो सारा रूल्स आप लोग एक नोटबुक में एक अच्छे से एकदम नोट फेयर करके रखेंगे और उसे एकदम अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आज, ठीक है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज जैसे कि मैं पार्ट टू बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पार्ट टू आज मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जब पार्ट टू आप लोग देखेंगे ये वीडियो, ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग में हमारा क्लास चलता है करीब 9 या 10 बजे के बीच में ये वीडियो होगा अपलोड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उससे पहले पार्ट वन को रिवीजन कर लेना है एक बार, और उसके बाद फिर पार्ट टू को देखना है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे अगर इस वीडियो को मैं नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा नया, उस वीडियो को प्ले करने से पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से एक बार फास्ट में या फिर 2 पॉइंट जैसे भी हो आप लोगों को रिवीजन के तौर पे 1.5 करके या फिर कैसे भी करके फटाफट आप लोग को उसको देख लेना है, और उसके बाद फिर वो देखना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका आगे का क्लास भी शेड्यूल अच्छे से चलता रहेगा और आपका बैक का रिविज़न भी होता रहेगा। ये होगा एक बढ़िया सा आपका स्ट्रेटजी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट टू का रूल नंबर 7। लास्ट क्लास में मैंने रूल नंबर 6 तक कराया था और आज हमारा होने वाला है रूल नंबर 7 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग, रूल नंबर 7 क्या कहता है कि वन ऑफ, जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पे क्या वन ऑफ, एक मिनट, ठीक है, वन ऑफ ईच वन ऑफ एवरी वन नो वन ऑफ एनी वन ईच ऑफ एनी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ठीक है, ये सारे जो हमारे हैं ईच ऑफ एनी ऑफ नाइदर ऑफ, इसको क्या करना है हम लोगों को, ठीक है, ये सारे जब वर्ड्स आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जब वर्ड्स आएंगे तो क्या लिखा है, टैक्स प्लूरल्स ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारा क्या लेता है, ठीक है, क्या लेता है, टैक्स प्लूरल ऑब्जेक्ट, ये क्या लेता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट को लेता है अपने साथ, और उसके साथ लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है और सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अब इस पर बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसे फटाफट बताएंगे, ठीक है, क्या होने वाला है पहला क्वेश्चन का जवाब, आप लोग बोलिए। आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे एरर कौन सा है आप लोग फाइंड आउट करेंगे फटाक से कि एरर कहाँ पर है। आइदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग हिज वर्क, ध्यान से आप लोग देखिए और अच्छे से बताइए कि इसमें हमारा कहाँ पर है एरर। तो आप लोग बताइए कहाँ पर एरर है। जैसा कि अभी पहले मैं बताया था कुछ वर्ड, देखिए आप लोग कि अगर ये सारे वर्ड्स रहते हैं, क्या ये वर्ड्स आप लोग के इसमें दिख रहा है, आइदर ऑफ दिख रहा है कहीं, आइदर ऑफ, बिल्कुल आप लोग कहेंगे ये सर दिख तो रहा है, कहाँ पर, ये रहा हमारा आइदर ऑफ। तो अगर यहाँ पर आइदर ऑफ है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा आइदर ऑफ है तो क्या बोला है कि आइदर ऑफ टैक्स प्लूरल ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल लेगा, लेकिन उसके साथ हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे देखिए ये कि आर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी में इरर है, और यहाँ पे आर ना होके क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, आप लोग को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। अब रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। एनी वन ऑफ देम, फिर से सेम एनी वन ऑफ देम, क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा, बट हमारा वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी हमारा पार्ट बी में इरर है, यहाँ पर आर ना होकर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इज, देन पार्ट बी इज इरर। ठीक है, इज डूइंग क्या होगा, एनी वन ऑफ देम इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ईच ऑफ द मेंबर्स आर कैपेबल फॉर अचीविंग हिज टारगेट्स। अब बताइए यहाँ पे इरर कहाँ है, फिर से वही चीज क्या कह रहा है। अब आप लोग को समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है, कि हम लोग को कैसे इरर फाइंड करना है। क्या है यहाँ पर, कोई वर्ड्स हैं हमारे, ये सारे अगर वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ लिखा है ईच ऑफ द मेंबर्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो हमारा, ये मेंबर्स जो है, ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है बेसिक। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है बट ये वर्ड्स हैं, तो इसके अनुसार ये वर्ड्स हमारा यहाँ पर आर ना होके क्या होगा, इज, क्योंकि पहले मैं रूल क्या बताया, ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा, बट हमारा वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। ठीक है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इरर कहाँ है, पार्ट बी में इज होगा वहाँ पर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का फटाफट। ईच ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग हिज वर्क। अब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ पे इरर है। इरर आप लोग को नज़र में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब ईच ऑफ लग गया, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ फिर से हमारा जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो आर ना होके ईज होगा। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टेक देयर वन बुक टू द लाइब्रेरी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल, और वर्ब हमारा क्या है, टेक देयर वन बुक इन द लाइब्रेरी। क्या यहाँ पे टेक देयर वन बुक इन द लाइब्रेरी सही है, कहाँ पे आप लोगों को ईरर लग रहा है, फटाफट आप लोग ईरर को फाइंड करेंगे। क्या होगा हमारा, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेक देयर वन बुक टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इरर हमारा पार्ट बी में है, ये पार्ट में इरर है, क्या होगा वहाँ पे, टेक्स देयर, सही है, टेक्स, यहाँ पे देयर ना होके क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे देयर ना होके क्या होना चाहिए, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे टैक्स तो सही है, यहाँ पे क्या होगा, टैग के जगह पे टैक्स होगा और देयर के जगह पे हीज होगा। तो इरर क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टैक्स देयर नॉट, देयर कब होता है, जब हमारा यहाँ पर दे होगा तब ना दे का देयर होता है, यहाँ तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हीज वन बुक टू द लाइब्रेरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग जवाब देंगे इसका, क्या कह रहा है। नाइदर ऑफ द चिल्ड्रेन वेंट टू इट हिज और हर वेजिटेबल्स। यहाँ वेंट टू इट, बताइए फटाफट कहाँ पे इरर है, क्या गलती है। Neither of the children, plural है,
बट हमारा यहाँ पे वांट टू है, सॉरी वांट टू इट, तो यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। और जब वर्ब में, अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में मैं बताया था कि अगर कोई वर्ब है ठीक है, और वर्ब को अगर वर्ब तो हमारा वो क्या चीज में होता है, प्लूरल में ठीक है, अगर कोई वर्ब प्लूरल में है तो इसको अगर सिंगुलर बनाना हो, तो वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो क्या होगा, वर्ब में हम लोग प्लस करेंगे एस तो हमारा बन जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे वांट के जगह पे क्या होना चाहिए, वांट्स ठीक है, वांट्स होना चाहिए। तो ईच नाइदर ऑफ द चिल्ड्रेन वांट्स टू ईट हिज और हर वेजिटेबल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो फटाफट एकदम लाइक कीजिए दबाकर और शेयर भी करके आइए। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग रूल नंबर 8 की तरफ ठीक है। देखिए रूल नंबर 8, इफ़ ऑल द एबव सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, अगर जितने भी ऑल द एबव सब्जेक्ट्स, अगर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो फॉलोड है, फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो फॉलो करता है किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को। जैसे कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हमारा आता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, द वर्ब विल बी प्लूरल, तो हमारा वर्ब जो होगा वो क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल होगा। जब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन अगर कोई भी इस्तेमाल होगा तो वर्ब हमारा क्या इस्तेमाल होने वाला है, प्लूरल वर्ब ठीक है। तो चलिए इस पे बेस हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन नीड टू अराइव अर्ली, नीड टू अराइव अर्ली, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स हु इज पार्टिसिपेटिंग, हु इज या फिर हु आर पार्टिसिपेटिंग, बताइए कहाँ पे रह रहे हैं, बताइए फटाफट आप लोग, ए में, बी में, सी में या फिर डी में, कहाँ इरर लग रहा है आपको, चलिए हम बताते हैं। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हमारा क्या है, द स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल है, एक मिनट, वर्ब विल बी प्लूरल होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होगा कोई सेंटेंस में तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज क्या है, सिंगुलर, तो हमारा होगा वर्ब क्या इस्तेमाल, प्लूरल, तो यहाँ पे इज के जगह पे क्या होगा, इज के जगह पे आर ठीक है, इज के जगह पे होगा आर, देन इरर इज बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर फटाफट बताइए ठीक है। द एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन आउट अंडरस्टैंडिंग विल रिसीव बोनसेस, क्या होगा यहाँ पे एरर, द एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन या हैव बीन, क्या होगा, वर्ब अभी मैंने बताया था कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, वर्ब इस्तेमाल होगा प्लूरल, यहाँ पे तो है सिंगुलर, तो या हैज़ बीन के जगह पे क्या होगा, हैव बीन ठीक है, देन एरर इज यहाँ पे ठीक, बी नंबर में एरर है, फटाफट नेक्स्ट सवाल। ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, जल्दीबाजी में मैंने भी गलत कर दिया। द एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस, द एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस, हुज परफॉर्मेंस हैज बीन आउट अंडरस्टैंडिंग विल रिसीव बोनसेस, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है फ्रेंड्स, नो एरर, क्योंकि हैज बीन आउट अंडरस्टैंडिंग सही है। एक बार फिर से रूल देखिए आप लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको, कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट होगा तो द वर्ब विल बी प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे अगर वर्ब हम लोग देख लेते हैं, वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगा,
है, परफॉर्मेंस हैज़ बीन आउट अंडरस्टैंडिंग विल रिसीव बोनसेस, यहाँ पे तो हैव होना चाहिए फ्रेंड्स। कोई नहीं, नो एरर है, खैर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स विच हैज़ डन वेल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, हैज़ वेल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स या फिर हैव डन वेल फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है, हैव डन, तो यहाँ पे एरर है गया, होगा हमारा किसमें, पार्ट सी में, हैव डन होना चाहिए वहाँ। ऑल द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन हैज रिसीव्ड देयर अवार्ड्स या फिर हैव रिसीव्ड देयर अवार्ड्स, क्या होगा, हैव रिसीव्ड देयर अवार्ड्स। तो वहाँ पे बेसिक सही है फ्रेंड्स, वहाँ पे नो एरर नहीं, वहाँ पे गलती हमारा हैज़ के जगह पे हैव ही होगा, क्योंकि और भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सेम रूल्स पे बना रहे हैं, वो मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे आप लोग। एनी ऑफ द एप्लीकेंट्स हुज क्वालिफिकेशंस मीट द रिक्वायरमेंट्स इज एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू या फिर आर एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू, बताइए कहाँ पे एरर लग रहा है आप लोग, आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, यहाँ इज के जगह पे होगा आर, ठीक है, इज के जगह पे होगा आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, सॉरी, नेक्स्ट रूल नंबर 9, और रूल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, देखिए। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि द वर्ब यूज्ड विद फ्रैक्शन एग्रीज विद द नेचर ऑफ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड इफ द नाउन रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव द यूनिटी, कलेक्टिव, कलेक्टिव यूनिटी, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड एंड हाउएवर इफ इट इंडिकेट्स डिविजन और स्प्लिटिंग अ प्लुरल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, जैसे वन थर्ड ऑफ द कॉम्बेटेंट्स वर लॉस्ट इन द बैटल या फिर वन थर्ड ऑफ द कॉम्बेटेंट्स इज मर्चिंग इन द फील्ड। ठीक है, ये रहा कुछ एग्जांपल, देखते हैं हम लोग क्या कहता है फ्रेंड्स। हाफ ऑफ द केक वर इटन बाय द चिल्ड्रेन या फिर वॉज इटन बाय द चिल्ड्रेन, हाफ ऑफ द केक, केक का आधा बच्चों के द्वारा खा गया, तो यहाँ पे वर ना होके होगा क्या, वॉज। रूल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, हाफ ऑफ द कुकीज वॉज बैक्ड बाई सरा या फिर वर बैग, हाफ ऑफ द कुकीज है, कुकीज, ठीक है, कुकीज मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, तो यहाँ पे वाज की जगह पे क्या होगा, वर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वन फोर्थ ऑफ द मनी वाज डोनेटेड टू चैरिटी या फिर वर डोनेटेड टू द चैरिटी, क्या होगा, यहाँ पे नो एरर होगा, क्योंकि वन ऑफ द मनी, ठीक है, उस मनी में से एक, दैट सिंगुलर एंड सिंगुलर इज सिंगुलर वर्ब इज स्मॉल, देन वॉज डिनोटेड टू द चैरिटी, दैट इज करेक्ट नो एरर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन फोर्थ, ये तो सेम है, क्या कहता है, वन फोर्थ था, यहाँ थ्री फोर्थ द प्लेयर्स
अब देखिए एक से अधिक दैट मीन्स प्लूरल आ रहा है, 3/4 एस लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या होगा, आई थिंक वर होगा यहाँ, ठीक है, वॉज की जगह पे वर होगा। दैट्स गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रूल नंबर 10, ठीक है। मैनी प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। मैनी अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ये दो चीज़ याद रखना है आप लोगों को रूल नंबर 10 में। अगर सिर्फ मैनी रहे तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये मैनी क्या है, प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, और मैनी आ रहेगा तो आप लोगों को समझना है कि ये सिंगुलर नाउन है। जब मैनी आ एक सिंगुलर नाउन है तो हमारा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मैनी आ मैन, मैनी आ मैन हैव विजिटेड, ठीक है, देहरादून फ्रॉम दिल्ली टू सेटल हेयर। मैनी अ मैन दैट इज सिंगुलर, देन हैव नॉट हैज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव की जगह हैज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, अ ग्रेट मैनी गर्ल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्कूल। हैव बीन या हैज बीन, क्योंकि आ ग्रेट मैनी गर्ल्स है, गर्ल है, ठीक है, आ ग्रेट मैनी गर्ल है, यहाँ पे इरर कहाँ है, आ ग्रेट मैनी गर्ल नॉट गर्ल्स, ठीक है, क्या होगा, आ ग्रेट मैनी गर्ल नॉट गर्ल्स, ये रहा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ बॉय हैव अटेंडेड द पार्टी, या फिर मैनी अ बॉय हैज अटेंडेड द पार्टी, हैज अटेंडेड द पार्टी, देन इरर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग बनाएंगे और जवाब देंगे इसका। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, मैनी अ बॉयज फाइट साय ऑफ टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स या टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स अबाउट देयर फैमिली, ठीक है, वो सब में इरर नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे इरर कहाँ पर है, तो मैनी अ बॉय फाइट्स, ठीक है। रूल नंबर 11, व्हाट डिड इट से, रूल नंबर 11, डेफिनेट प्रोनाउन, कुछ डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, तो डेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया हमारा एज, सच एज, ऑल, फ्यू, सेवरल, बोथ, मैनी, वेरियस आर प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स। ये सब किसको डिनोट करते हैं, प्लूरल को, और जब ये हमारे प्लूरल को डिनोट करते हैं तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, रूल नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 11, फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे उस अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 11 के अनुसार। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। बोथ द सब्जेक्ट्स रिक्वायर्स इक्वल अटेंशन, या फिर बोथ द सब्जेक्ट रिक्वायर्स, सब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट्स होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट्स तो होगा, रिक्वायर्स नॉट, रिक्वायर होगा, ठीक है, यहाँ ईरर है, रिक्वायर क्या होगा, रिक्वायर, नेक्स्ट रूल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, फ्यू वगैरह क्या डिनोट कराता है, प्लूरल का, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यहाँ इज के जगह पे क्या होना चाहिए, इज के जगह पे क्या होना चाहिए,
आर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स प्लूरल, देन एज सिंगुलर, देन करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, हियर इट इज आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। फ्यू ऑफ द एम्प्लॉइज वर प्रेजेंट एट द अर्ली मॉर्निंग मीटिंग। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है फ्रेंड्स? फ्यू ऑफ द एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉयज हमारा प्लूरल है। जब एम्प्लॉयज प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब भी क्या होना चाहिए था? प्लूरल। तो सही सही हमारा यहाँ पे वर्ब भी क्या है? प्लूरल ही है। जब वर्ब भी प्लूरल है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज, दैट इज ऑल इज करेक्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर फाइव। सेवरल ऑफ द कैंडिडेट्स प्लूरल हैज बीन इनवाइटेड फॉर द जॉब इंटरव्यू। हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज क्या है? सिंगुलर है। हमें क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। क्यों प्लूरल चाहिए? क्योंकि सेवरल ऑफ क्या डिनोट करवाता है? प्लूरल का। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज, देन हैव। शाबाश, हैव बीन इनवाइटेड। तो ये था हमारा कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ रूल्स, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल बनता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा इतना ही। इसके साथ मैंने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, डेफिनेटली शेयर करें पूरी तरीके से। बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि वीडियो डेली आपके पास पहुंचे और आपको इससे कुछ मदद मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, शेयर कीजिए, रिवीजन कीजिए और बस इसी तरीके से अपने स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ नए सेशन के साथ। बहुत ही जल्द मैं एक और आप लोगों का क्लास चलाऊंगा, जिसमें आपका वोकैब, वन वर्ड, एडियम फ्रेज, ये सारे मैं कंडक्ट करवाऊंगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे होगा और ब्लैक बुक से होगा, प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, वो भी मैं करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप लोग। ठीक है, वो भी मैं चलाऊँगा बहुत जल्द। अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बाय बाय गाइस, हैव अ टेक केयर एंड गुड डे। मिलते हैं फिर कल इसी के साथ मॉर्निंग में। थैंक यू गाइज़।